अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं शामी कबाब हैदराबाद स्टाइल में। ओके, हम लिए हैं 1 किलो मटन बकरे का, कौन सा भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं या मटन भी ले सकते हैं। ओके, हम लिए 1 किलो बकरे का, 1 किलो हम गोश्त ले लिए। यहाँ पे देखिए, अब हम ऐड कर देंगे दाल को। पहले हम दाल, थोड़ी दाल हम अच्छे से हम वॉश कर लिए। अब हम इसको पानी डाल के थोड़ी देर 5 मिनट्स हम रख दिए थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम 1 कटोरा फुल हम दाल लिए थे, अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दाल थोड़ी सी कम ही डालिए, शामी कबाब अच्छी बन जाए। से 5 ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीसेस में हम कर लिए हैं, हम ये भी ऐड कर देंगे। हम मीडियम साइज की ऑनियन है रफली चॉप कर लिया है, देखिए अब ये भी हम ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून और थोड़ा ऐड कर दे रहे हम 1/2। ऐड कर देंगे हरा धनिया 1 मुट्ठी, होममेड का गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम पानी ऐड कर देंगे गोश्त गलने के लिए 1 कप और दाल भी गलने के लिए। फिर अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको। 1 टीस्पून देसी घी ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चूल्हा ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ढक्कन से कवर कर देंगे कुकर को। इसको हम अच्छे से हम विजिल्स देते रहेंगे जब तक हमारा मटन और दाल गल ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त भी गल गया है, दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें साल्ट ऐड कर देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। चलिए अब हम साल्ट ऐड करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको बारीक हम पीस लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से हम पीस लिए। अब हम 1 अंडा ऐड कर देंगे हम इसमें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम शामी को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारी शामी बनके रेडी हो गए। देखिए माशाल्लाह अच्छे से। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमारी शामी कबाब बन के रेडी हो गई। ये हम सिम डीप फ्राई नहीं करें हम ना। देखिए माशाल्लाह, सेलो फ्राई करें हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह बन के रेडी हो गए। ऐसे ही आप लोगों भी ट्राई करना। ओके, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाफिज।